31 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली और पूरे 30 साल बाद जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। और 31 जनवरी ही वो दिन था जब व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने वाले जस्टिस डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए व्यास तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा राग भोग करने की इजाजत दी थी। जज के तौर पर ये उनका आखिरी फैसला था और इस तरह उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया। अब जज साहब को लेकर ताजा खबर ये सामने आई है कि उन्हें लखनऊ की डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी में लोकपाल बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ज्ञानवापी विवाद में फैसला देकर चर्चित हुए जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश को रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी का लोकपाल नियुक्त किया गया है। लखनऊ स्थित इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विश्वेश स्टूडेंट्स की शिकायतों का निस्तारण करेंगे। आपको बता दें कि लोकपाल पद की नियुक्ति के लिए 10 साल के अनुभव वाले रिटायर्ड जज की योग्यता चाहिए थी। इसके अलावा 10 साल के अनुभव वाले रिटायर्ड प्रोफेसर की भी नियुक्ति इस पद पर की जा सकती है। लखनऊ स्थित यूनिवर्सिटी के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर यशवंत विरोधिया के मुताबिक डॉक्टर अजय कृष्ण 29 फरवरी को वाइस चांसलर हिमांशु शेखर झा से मिलने के लिए आए थे। इसके बाद से ही रिटायर्ड जज साहब के लोकपाल बनने की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश का जन्म 7 जनवरी 1964 को हुआ था। वो मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र से 1981 में बीएससी, 1984 में एलएलबी और 1986 में एलएलएम किया था। 20 जून 1990 को उनकी न्यायिक सेवा की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के कोटद्वार में उनकी पहली पोस्टिंग मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। 1991 में उनका ट्रांसफर सहारनपुर हो गया था। इसके बाद वे देहरादून के न्यायिक मजिस्ट्रेट बने। 1995 में डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश एडिशनल सिविल जज रहे। 1999 में मेरठ में ACJM के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। जिला जज के रूप में पहली बार उनकी पोस्टिंग साल 2018 में संभल जिले में हुई। फिर वे बदायूं, सीतापुर, बुलंदशहर और वाराणसी में भी जिला जज के रूप में नियुक्त हुए। बनारस में उन्होंने 21 अगस्त 2022 को कार्यभार ग्रहण किया था। कुल 34 सालों की न्यायिक सेवा के बाद वे 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो गए। ये तो बात हुई ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण की नई पारी की। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले भी इस तरह का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजेस को खास तरह की पेशकश की गई है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI रंजन गोगोई की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और उसी फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर की फिर से नींव रखी गई थी। ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्व CJI रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामित किया था, लेकिन इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ था और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। जबकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित करने को गलत बताने वाली कांग्रेस, खुद पूर्व CJI रंगनाथ मिश्र, मोहम्मद हिदायतुल्ला और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बहरुल इस्लाम को उच्च सदन भेज चुकी है, लेकिन इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता की माने तो संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद भारत की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी दूसरे क्षेत्र में पद लेने में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहे लोगों को रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई दूसरा पद लेने में सामान्य तौर पर प्रतिबंध रहता है। इस लिहाज से देखें तो गोगोई साहब को राज्यसभा के लिए नामित करने में थोड़ी जल्दबाजी जरूर की गई थी। इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। नमस्कार।